कौन से मेथड एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। तो एन वन हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, एन टू हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। यू वन हूँ फर्स्ट सिस्टम यूनिट, यू टू हूँ सेकंड सिस्टम यूनिट। तो से यूनिट गुड़ाक से फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म्स पकईदे दि सैड से सल्व हो जाए रईट। तो लास्ट थर आम करोश्चिन से आम स्टार्ट करवा। तो अच्छा हेलो पुणी थे स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन थिला जे आमर एस आई सिस्टम रे यूनिट हूँ न्यूटन, फोर्स रो फोर्स रो यूनिट एस आई सिस्टम रे हूँ न्यूटन, आमर सीजी सिस्टम रे हूँ कौन डाइन। तो जदि ए प्रकार क्वेश्चन आसे जे वन न्यूटन केते डाइन बा वन डाइन केते न्यूटन, से टाइप रे क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करबा पई ए मेथड टा यूज करा जाए। तो लास्ट थर आम क्वेश्चन करथिले कौन, लास्ट थर क्वेश्चन करथिले जे वन न्यूटन 10 to the power 5 डाइन, 1 न्यूटन केते डाइन सॉल्व करिवार थिला। तो हमें कौन कले लेट से 1 न्यूटन इक्वल एक्स डाइन, तापर हमें को सॉल्व करले केमिति सॉल्व करले। ता प्रथमे देखिले ए जो क्वांटिटी कथा होचे एटा के क्वांटिटी एंड होचे फोर्स क्वांटिटी। अच्छा तो फोर्स रो डायमेंशन लिखि देले, तो फोर्स रो डायमेंशन कौन ना फोर्स रो डायमेंशन ना एम एल ई टू द पावर माइनस वन सॉरी माइनस टू, माने फोर्स रे मास थरे आसे लेंथ थरे आसे पावर एक ही कैसे टाइम पावर माइनस हुई ही कैसे। तो से अनुसार हम न्यूटन को भी फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म्स से डिवाइड कर देबा, डाइन को भी फंडामेंटल टर्म्स से भाग कर देबा। तो चलो तो न्यूटन एटा एसआई यूनिट रे, अच्छा तो एसआई यूनिट रे मास को आसी गला, एसआई यूनिट रे मास को कोन पकाइबा केजी, लेंथ को कोन पकाइबा मीटर, टाइम को कौन पकेबा सेकंड पकेले इक्वल अपर एक्स। अच्छा डाइन डाइन एडा को सिस्टम रो सीजे सिस्टम रो, अच्छा ताको भी तारो फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म गुडा सब भाग करबा। तो डाइन डाइन को मास बदलले केते पकेबा ग्राम, तापर कोन लेंथ लेंथ बदलले केते पकेबा सेंटीमीटर, अच्छा तापर कोन टाइम टाइम बदलले कोन पकेबा सेकंड पकेले, तापर कोन करले तापर एक्स बाहर कर देले। तो सेकंड सेकंड तो कटी गला, एक्स केते आसीबो एपटे केजी अछि बाय ग्राम हबो आसीकी, एपटे मीटर अछि से आसीकी बाय सेंटीमीटर हबो। अच्छा तापर केजी बाय ग्राम केते हि गला 100 ना 1000 1000, मीटर बाय सेंटीमीटर केते हि गला 100। तो ये ताले केते हि गला 10 टू द पावर 5। तो एक्स रो वैल्यू केते आसीला, अच्छा तो 1 न्यूटन ताले केते 10 टू द पावर 5 डाइन, डाइन डाइन माने डाणी। तो डाणी से डाणी नो होइला, एडा से फोर्स यूनिट डाइन। अच्छा तो 1 न्यूटन केते डाइन कते न्यूटन एटिक डाणी। अच्छा ए टाइप रो आज हम कन्वर्ट करबा वर्क रो यूनिट। अच्छा वर्क रो यूनिट एसआई सिस्टम रे कोन कहिलो, वर्क रो यूनिट एसआई सिस्टम रे वर्क रो यूनिट कोन, हां एडा फोर्स रो थिला। तो फोर्स रे हमर कोन आसला आंसर, तो फोर्स हमर आंसर आसला 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम ये फोर्स रो थिला। वर्तमान वर्क को आसो, वर्क रो यूनिट कोन एसआई सिस्टम रे जूल जूल। अच्छा सीजे सिस्टम रे वर्क यूनिट कौन के जानिचो ना, सीजे सिस्टम रे वर्क यूनिट कौन अर्ग ई आर जी। तो वर्तमान में डेराइव करबा जे 1 जूल केते अर्ग हैला। चल लिख क्वेश्चन एडा लिखिलो एडा आर्थर भी लिखि थिले आर थोड़ा लिखी थे ना क्लास रे लेकिन मैंने तो आज हमें क्वेश्चन पढ़ुछंती वर्क वर्क रो यूनिट को कन्वर्ट करुछंती। अच्छा वर्क रो हमर एसआई सिस्टम रे यूनिट ता कोन ना जूल जूल, सीजे सिस्टम रे यूनिट कोन अर्ग। तो वर्तमान क्वेश्चन होची जे 1 अर्ग केते जूल सॉरी 1 जूल केते अर्ग एडा बाहर करबार अछि। त हमने ई जे बा लेट्स से 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग,
राइट 1 जूल इक्वल एक्स आर्ग दिबु देखा जाउछ कि तमको यस अच्छा ये लाइट टा रिफ्लेक्शन होउछ त तेनु गरम पता छ देखा जाउछ नो सर देखा जाउछ अच्छा तारा लाइट चेंज करो यस सर गुड तो हमें सॉल्व करबा 1 जूल इक्वल टू केते आर्ग केमिते करबा स्टेप्स हां प्रथमे वर्क रो डायमेंशन को लेखो अच्छा वर्क रो डायमेंशन कोन के जानि छो ml टू t माइनस t टू द पावर माइनस 2 ml टू t टू द पावर माइनस 2 येला डायमेंशन तो जूल को भी से अनुसार भांगी देबा आर्ग को भी से अनुसार भांगी देबा भांगी देला तपर से सॉल्व होई जइबो चलो देखिबा जूल को हमें से अनुसार भांगीबा जूल को से अनुसार भांगे कौन हम कौन लिखा जूल एम एम फॉर मास अच्छा तो ऐसे सिस्टम में मास को कौन लिखा मास अच्छा अच्छे एल ऐसे सिस्टम में एल को कौन लिखा तो मीटर रो स्क्वायर लिखा पड़ो है अच्छा तापर टी टी फॉर टाइम तो टाइम को कौन लिखा सेकेंड सेकेंड रो माइनस टू लिखले अच्छा तापर एक्स हाँ ये अर्ग को भी एक प्रकार भांग अर्ग को एक प्रकार भांग भांगे अर्ग पाई अर्ग सही मास लेंथ और टाइम रो तैयारी अच्छा आप पाई मास को कौन लिखा ग्राम लिखिबा अच्छा ग्राम लिखिबा लेंथ लेंथ एल पाई कौन लिखिबा फिजिकल सिस्टम से लेंथ को कौन लिया जाए सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखिबा अच्छा टाइम टाइम कौन अच्छा टाइम कौन लिखिया जाए सेकंड नले अच्छा तो वर्तमान देखो सेकंड सेकंड तो दिस सर कटि गला कॉल कर रहला एक्स x कितना है ला 7 पाई ग्राम इनटू मीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर आपको सॉल्व करो केजी बाय ग्राम कितना होगा 1000 होगा 10 टू द पावर 3 अच्छा मीटर बाय सेंटीमीटर तारो स्क्वायर कितना होगा 10 टू द पावर 4 ये मीटर बाय सेंटीमीटर रो स्क्वायर तो मीटर बाय सेंटीमीटर ला 100 तारो स्क्वायर तो टोटल आसला 10 टू द पावर 7 अच्छा तो हमर जो क्वेश्चन थिला 1 जूल केते अर्ग तो तार आंसर कोन हैला 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग बुझला तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग ए प्रकार क्वेश्चन गुडा को आसे आउ करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तमे निजे करिवो यस सर चलो लेखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेखो अच्छा पावर रो यूनिट कोन पावर यूनिट कौन पचास बड़ा कौन है वाट 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 नो हाउ वाट अच्छा तो पावर यूनिट ऐसे सिस्टम हो चुका वाट अच्छा ठीक अच्छी सीधे सिस्टम रे अर्ग पर सेकंड अर्ग बाय सेकंड पावर माने कौन की वर्क बाय टाइम एनर्जी बाय टाइम तो तार वर्क बाय टाइम तो कौन हो अर्ग बाय सेकंड हम बनेंगे सीधे सिस्टम रे वर्क कौन की अर्ग बाय टाइम माने अर्ग बाय सेकंड अच्छा एनीवे चलो हम एक नया यूनिट सिस्टम डिजाइन करबा लिखो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन लिखो ए न्यू यूनिट सिस्टम इज डिजाइन क्वेश्चन ए न्यू यूनिट सिस्टम इज डिजाइन इन व्हिच A new unit system is designed in which unit of mass is 2 kg. In which unit of mass is 2 kg. A new system is designed in which unit of mass is 2 kg. Unit of length is 3 meter.
unit of length is 3 meter and unit of time is 4 seconds. Hello? Unit of mass is 2 kg, unit of length is 3 meter and unit of time is 4 seconds. What's the law? Says no energy system is the mass, the mass of the unit. আমার এসআই সিস্টম কেজি হলে সেই সিস্টমের কেতে হচ্ছে 2 কেজি আমার এসআই সিস্টমের লেন্থটা কেতে লেন্থ ইউনিট হচ্ছে মিটার সেই সিস্টমের যাহা বি তার লেন্থ হচ্ছে সেটা হচ্ছে 3 মিটার আমার এসআই ইউনিট সিস্টমের টাইমটা হচ্ছে সেকেন্ড সেই সিস্টমের যে টাইম হচ্ছে সে কেতে 4 সেকেন্ড সেই সিস্টমের টাইমের ইউনিটটা হচ্ছে 4 সেকেন্ড বুঝ পারলো ইটস লাইক সিজিএস সিস্টমের মাস কো তুমি কোন নউছো গ্রাম নউছো আচ্ছা এসআই সিস্টমের মাস কো কোন নউছো কেজি আচ্ছা তো সিজিএস সিস্টেমের তো গ্রামটা কি আমার এসএস সিস্টেমের কেজির কেতে গুণ 1/1000 কেজি শুনো কি দেখো কার আমার সিজিএস সিস্টেমের তো লেন্থর ইউনিটটা কেতে সেন্টিমিটার আচ্ছা এসএস সিস্টেমের লেন্থর ইউনিটটা কেতে মিটার আচ্ছা তো সিজিএস সিস্টেমের যে লেন্থর ইউনিট তাকে আমি কোন লিখে পারিবা 1/100 মিটার এসএস সিস্টেম আন্ডারে 1/100 মিটার বুঝলে হেলা নাকি সিজিএস সিস্টেম রে মাস ইউনিট কোন গ্রাম মানে 1/1000 কেজি সিজিএস সিস্টেম রে লেন্থ ইউনিট কোন সেন্টিমিটার মানে 1/100 মিটার এই টাইপ জিনিস আও কোন তো বর্তমান বি এজ নয়া সিস্টেম আছে নয়া সিস্টেম রে মাস ইউনিট কোন 2 কেজি 2 কেজি 2 কেজি যেমন সিজিএস রে 1/1000 কেজি হতলা এটা 2 কেজি হচ্ছে সিজিএস সিস্টেম রে লেন্থ ইউনিট কোন হতলা 1/100 মিটার হতলা সেন্টিমিটার হতলা বা 1/100 মিটার হতলা এটা কত হচ্ছে 3 মিটার সিজিএস সিস্টেম রে টাইম ইউনিট কোন হতলা সেকেন্ড এটা কোন হচ্ছে 4 সেকেন্ড এই গুটে নয়া ইউনিট সিস্টেম ডিজাইন করা হইছে বুঝিলা এসআই সিস্টেম রে কোন থিলা এসআই সিস্টেম রে মাস থিলা কেজি লেন্থ থিলা মিটার টাইম থিলা সেকেন্ড আচ্ছা ইউ সি ডিফারেন্স আচ্ছা সিজিএস সিস্টেম রে পাওয়ার ইউনিট কোন থিলা হোয়াট থিলা এ সিস্টেম রে পাওয়ার ইউনিট হচ্ছে শক্তিমান কোন শক্তিমান শক্তিমান দেখিছো তো এ সিস্টেম রে পাওয়ার ইউনিট হচ্ছে শক্তিমান তো বর্তমান কোশ্চেন হলা 1 ওয়াট ইকুয়াল কত শক্তিমান 1 वाट इक्वल केते शक्तिमान येला क्वेश्चन करो देखिबा कोन करिवो लेट इट बी एक्स शक्तिमान ह कोन ते क्वेश्चन पर क्वेश्चन होची 1 वाट केते शक्तिमान कर मेथड लगे कर सर 32/9 शक्तिमान श्योर यस सर तो विभो को उचित 32/9 शक्तिमान अच्छा देखिबा इले तमरो को क्लास हां 10 तमरो आउ कहार आंसर आसला देखिबा क्या बात है हां ओ वर्क डायमेंशन वर्क डायमेंशन वर्क का फार्मूला कौन है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस तो फोर्स का डायमेंशन कौन था एमएल टी टू माइनस 2 इनटू आ गोटे एल कर दियो तो एमएल स्क्वायर टी टू माइनस 2 ना 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 सेटा वर्क करो एमएल 2 टी टू माइनस 3
m l square t to the power minus 3 तो जाने को ना अनुजान लेकिन जाओ m l square t to the power minus 3 ताको यूज करके करिवो मु करूछ पावर रो डायमेंशन हैला m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3 चलो एडा को यूज करी परबा एडा को लिखि अपो व्हाट व्हाट को m si रे एडा होची si सिस्टम एडा होची न्यू सिस्टम si सिस्टम रे व्हाट को हम भांगीबा भांगिले कोन होबो मास मास थरे आसीबो ओके जी लेंथ थरे आसी भीतर आसीबो मीटर स्क्वायर टाइम रो पावर माइनस तीन हेबार अच्छे तो सेकेंड रो पावर माइनस तीन होगा शक्ति मान को से प्रकार भांगे कौन हम मास थे आसवर अच्छे तो टू के जी लेंथ पावर दुई आसवर अच्छे तो तीन मीटर रो पावर दुई टाइम रो पावर माइनस तीन आसवर अच्छे तो फोर सेकेंड रो पावर माइनस तीन आसला एक्सट्रा बाहर करार अच्छे अच्छा देख सब कटिज देख एपटे के जी अच्छे के जी अच्छे कटिला एपटे मीटर स्क्वायर अच्छे एपटे मीटर स्क्वायर अच्छे कटिजी एपटे सेकेंड क्यूब अच्छे सेकेंड क्यूब अच्छे कटिजी रहा वन इक्वल टू एक्स इंटू टू इंटू थ्री स्क्वायर बाय फोर रो क्यूब रहा कम प्रथम पावर यूनिट तो प्रथम पावर डायमेंशन लिखीदेली पावर डायमेंशन कौन एति ए क्वांटिटी गुडा को फंडामेंटल क्वांटिटी हम पकईदे पावर रे मास के रहीबार अच्छे लेंथ के रहीबार अच्छे पावर दुई हो रहीबार अच्छे टाइम के रहीबार अच्छे पावर माइनस तीन हो रहीबार अच्छे तो व्हाट रे मास को थरे पकईली अच्छा व्हाट मास एसए सिस्टम रो तो मास को केजी लिखिली एसए सिस्टम पई लेंथ को मीटर लिखिली एसए सिस्टम पई टाइम को सेकंड लिखिली एडा नो सिस्टम रो नुआ सिस्टम पे मास को 2 केजी लिखली नुआ सिस्टम पे लेंथ को 3 मीटर लिखली नुआ सिस्टम पे टाइम को 4 सेकंड लिखली तब एक्स बाहर कर तो केते आसु छी ये एक्स हमर आसु छी केते 32/9 तो 1 वाट इक्वल टू 32/9 शक्ति मान हैला ए प्रकार सॉल्व करा जाए ठीक अच्छे वर्तमान हमें नेक्स्ट टॉपिक को जीवा वर्तमान हमें नेक्स्ट टॉपिक को जीवा बहुत ही गला डायमेंशन कथा तो नेक्स्ट टॉपिक को हमें जीवा नेक्स्ट टॉपिक रो नाम लिखो एरर एरर रेडी वर्तमान सुधा हमें कौन पढ़ी सारे हमें पढ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटी कौन यूनिट कौन डायमेंशन कौन डायमेंशन एनालिसिस रो यूज कौन एबे नेक्स्ट टॉपिक को जाउछ दे सेउछि एरर टॉपिक रो नाम लिखो एरर एनालिसिस चलो एरर एनालिसिस एरर एनालिसिस तो सब प्रथम आम बुझा एरर कौन तो शुण जिते भी आम कौन मेजरमेंट करवा चैप्टर आम पढ़ुचे ना मेजरमेंट केमी करवा मेजरमेंट कहार करवा मेजरमेंट कौन यूनिट यूज करवा राइट तो जिते भी आम मेजरमेंट करवा जहाँ मेजर्ड वैल्यू आसो सी एक्चुअल वैल्यू टू अलग ही थी पारे तो से जो डिफरेंस डिफरेन्सा कहवा एरर उदाहरण धरनी ए पेन लेंथ है 15.6 सेंटीमीटर के 15.6 सेंटीमीटर गोटे स्केल लगे तुम मेजर कल मेजर रु आसा 15.7 सेंटीमीटर तो आम कौन कहवा आम कह एरर अच्छी है मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के 15.6 सेंटीमीटर तुम स्केल लगे मेजर कल आते रिडिंग नल 15.7 नल
डिफरेंस है ना तमे कहबे एरर अछि केते एरर अछि छोड़ दियो 0.3 तो जहां तमे मेजर करके काढिलो माइनस एक्चुअल तको हम कहबे सेति के एरर अछि हला तो मैथमेटिकली एरर रो फार्मूला डा हबो कोनो लेखो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ये हला एरर रो फार्मूला अच्छा व्हाट इज एरर जदि पत्थर जीव ताले कोनो कहबो व्हाट इज एरर जदि पत्थर जीव ताले कोनो कहबो The difference between measured value and true value of a physical quantity is called as error. लिखो. Error का definition कौन? The difference between measured value and true value of a physical quantity. The difference between measured value and true value of a physical quantity is called as error theek achi bujha gala error kono udaharan pai tama likhi paribo ebe mu bujhei thili kono dhari ne gote pen ro length hala 15.6 cm scale pokke ki measure kala pore se asila kete 15.7 to ame kahiba there is an error how much error 0.1 सेंटीमीटर अच्छा ठीक है भाभी लो ए एरर कैलकुलेट करले ये प्लस आसीबो ना माइनस आसीबो ना जीरो आसीबो माइनस से परे प्लस भी करे कैन एरर बी प्लस यस सर लिख दियो एरर कैन बी प्लस माइनस और जीरो एरर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एरर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो उदाहरण दे परिबो उदाहरण लिखो लेट्स से लेंथ ऑफ ए पेन इज 15.6 सेंटीमीटर लेट्स से लेंथ ऑफ ए पेन इज 15.6 सेंटीमीटर इफ द मेजर्ड वैल्यू कम्स आउट टू बी 15.7 सेंटीमीटर If the measured value comes out to be 15.7 centimeter, then comes out to be 15.7 centimeter. Then error equal to calculate kalo. Then error equal to. So like this, 15.7 minus 15.6 equal to 0.1 centimeter. Then error equal to कौन होगा माइनस 0.1 सेंटीमीटर है ना तो दिस एडा का उदाहरण थिला नेगेटिव एरर अच्छा नेक्स्ट इफ द मेजर वैल्यू कम्स आउट टू बी 15.6 सेंटीमीटर देन इट इज जीरो एरर देन एरर इज जीरो तो एरर कौन पूछि गलो राइट अच्छा वर्तमान लेखिबा आमे टाइप्स ऑफ एरर एरर को कौन कौन भाग कर एरर को कौन कौन भाग कर लिखो बेस्ड ऑन द सोर्स एरर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स Error is classified into two categories. कौन कौन? Random error and systematic error. Random error and systematic error.
टाइप्स क्लासिफिकेशन कैटेगरी सब जगह रे आसे ना एरर को दि भाग भाग कर दे छी स्कूल को दि प्रकार भाग कर दे छी किछ भूल जोगड़ा को मैनेजमेंट करा जाए आ किछ भूल जोगड़ा को अजानत रे हुए नहीं कि से टाइप रे जन सब गुड़ा को एरर एरर हो छी दि प्रकार रो रैंडम एरर आउ सिस्टमैटिक एरर अच्छा बुझो एगुड़ा को कौन बुझ देखो प्रथम बुझी दियो तापर डेफिनेशन लिखिबो रैंडम एरर माने कौन देखो बहुत समय आम जो मेजरमेंट करूँ जो रीडिंग हूँ आम रीडिंग इट गेट्स अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट जमी आम जो थर्मोमीटर डिजाइन करमोमीटर ताकू डिजाइन कर जाइथिबा समय रे जहाँ टेम्परेचर थिला ताकू डिजाइन करे धरिनियो जहाँ विंड स्पीड थिला जहाँ एनवायरमेंटल कंडीशन थिला वर्तमान होय तो से एनवायरमेंटल कंडीशन टिक अलग हे गला तो वर्तमान से रीडिंग टा टिक अलग दे दउची गोटे स्केल ताकू डिजाइन कर जाइथिबा समय रे टेम्परेचर थिला 50 डिग्री सेल्सियस बा 40 डिग्री धरिनियो गोटे स्केल को डिजाइन कर जाइथिला 40 डिग्री सेल्सियस समय रे वर्तमान से स्केल ला को तमे यूज करछो ठंडा दिन रे आ ठंडा दिन रे टेम्परेचर टा केते 20 डिग्री सेल्सियस विंटर रे टेंपरेचर केते 20 डिग्री सेल्सियस हे जाय से समय तमे गोटे स्केल यूज करिके मेजरमेंट करछो दो स्केल ताको डिजाइन करा जाय त केते टेंपरेचर रे काम करिया पई 40 डिग्री सेल्सियस रे ताको खरा दिन रे डिजाइन करा जायतला राइट प्रथम तमे शीत दिन रे यूज करछो ता तको भी एरर होबो राइट तमे गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करछो करंट मेजरमेंट करिबा पई करंट मेजरमेंट करते को इंस्ट्रूमेंट रे गैल्वेनोमीटर एमीटर ए इंस्ट्रूमेंट गुडा करे किछ गुडा तमे लैबोरेटरी रे सेटअप करिछो एक्सपेरिमेंट करिछो गैल्वेनोमीटर लगैछो एमीटर लगैछो करंट रीडिंग नउछो अच्छा तो से जो रीडिंग तमे जे नउछो से डिवाइस गुडा को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिव डिवाइस गुडा को तो अर्थ रो ए जगह रे किछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अछि ओ तो अर्थ रो से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वर्तमान चेंज होउछि ता जो इफेक्ट आसुछि तमे से रीडिंग रे तमे रीडिंग दा जति हेबा कथा ताड बढी देखौछि बा कम हेकि देखौछि संभव राइट बा तमे जहां भी इंस्ट्रूमेंट मेजर जहां भी तमे इंस्ट्रूमेंट यूज करूछ से इंस्ट्रूमेंट गुडा ऊपर एसे प्रभाव रखे ठीके पवन बही गला विंड स्पीड हे गला ह्यूमिडिटी बढी गला कि कमी गला एसे गुडा को इफेक्ट रहे तेनु करे किछ एरर आसे एसे जो गुडा को जो एरर आसे ताको कह जाय कोन रैंडम एरर रैंडम काहे के कह जाय रैंडम एथि पई कह जाय कारण से एरर टा को तमे गेस करि परिबनि केति के हिछि से पॉजिटिव एरर हेछि ना नेगेटिव एरर हेछि सेडा भी तमे गेस करि परिबनि हेछि ना नै सेडा भी तमे गेस करि परिबनि तमे पिन पॉइंट करि के कहि परिबनि जे वर्तमान ए जो एरर हला काहे के हला तमे खाली कहि परिबो जे हां एरर हेथिबो बुझला तो ताको कह जाय रैंडम एरर तो रैंडम एरर माने तमे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करि के कहि परिबनि एगुडा को दीज आर द पॉसिबिलिटीज तमे जानि छ जे ए सब जिंस मोर रीडिंग को अफेक्ट करे आउ वर्तमान मो जते एक्सपेरिमेंट करूची ए सब जिंस चेंज होउची ता ऊपर मोर कोनोसी कंट्रोल नाही विंड वेलोसिटी चेंज होउची सराउंडिंग रे टेंपरेचर चेंज होउची ह्यूमिडिटी चेंज होउची ए जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होत पारे एगुडा को हमर कोनोसी कंट्रोल नाही आ सेगुडा को सब अफेक्ट करे बुझिला तो ताको कोन कहबा आमे से सोर्स जगु जो एरर हुए ताको हम कहबा रैंडम एरर हला सिस्टमैटिक एरर माने कोन सिस्टमैटिक एरर माने तमे जानि छ तार सोर्स कोन एग्जैक्टली आ तुम कैलकुलेट कर दे पारिबो जे केते एरर हेची आ पछे तुम से एरर टाकू फेड़ दे पारिबो फेड़ दे के एक्चुअल वैल्यू बाहर कर दे पारिबो ताकू कह जे कोन सिस्टमैटिक एरर उदाहरण पय देखो मु गोटे उदाहरण दे सिस्टमैटिक एरर माने ए एरर गुडा को तुम तार सोर्स को तुम पिन पॉइंट करके जानि पारिबो काहे कि जेमे धरि नियो साधारण तो किसी इंस्ट्रूमेंट थाए से गुड़ाक फल्टी डिजाइन थाए इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक डिजाइन समय किसी फल्ट रही जाए किसी गड़बड़ रही जाए तुम जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज कर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक किसी प्रॉब्लम अच्छे जो एरर आसे सिस्टमेटिक एरर उदाहरण गोटे वेइंग मशीन अच्छे वेइंग मशीन कौन मेजर करे वेट दुकान रु तुम आलू पिज किन जाओ ना कि मेजर कर दिखती ना 2 किलो आलू 3 किलो आलू गोटे वेइंग मेसीन था ना पकाओ पकड़ से डिजिटल डिजिटल गोटे रीडिंग गोटे देख राइट धरने गोटे वेइंग मेसीन अच्छी किसी न रखाई थे देखे कथा शुण देख कथा कि न रखाई से एक के जी देखा कौन न रखाई देखा वन के जी
टू केजी सामान रखिले सी देखा थ्री केजी फाइव केजी सामान रखिले सी देखा एरर अच्छे ना कि देख ए एरर टा तुम गेस कर जाने पार कि न रखिले के देखा वन केजी रखिले देखा थ्री केजी रखिले देखा तो तुम यार पैटर्न टा जाने ना ये के देखा सब बेले एरर देखो तो तुम जाच तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक जो जहाँ एरर तुम जान ये केरर देखा वन के जी तो तुम तुम जान ए वेइंग मशीन केरर देखाए वन के जी बर्तमान से वेइंग मशीन टा मुझे नी नहीं मुझे रिडिंग किसी गोटे नी आलु मेजर कली सी रिडिंग देखला 480 के जी एक्चुअली आलु के देखा 480 के जी एक्चुअली 479 के जी तो सी एक्चुअली के 479 के जी सी सब बड़े एक एक्स्ट्रा देखाए ना सी सब बड़े एक एक्स्ट्रा देखाए ना किछ न रखले से केते देखाए देखो देखो ए गुडा को फिजिक्स ना ए गुडा कॉमन सेंस गुडा किछ न रख सुनो यार सुनो किछ न रखले केते देखाए एक रखले केते देखाए चार रखले केते देखाए तो सी सब बड़े अधिक देखाउछ ना से जहाँ भी देखा एक्चुअल कम ना कम से बर्तमान 480 देखला तो ए जो एरर टा ए प्रकार एरर को हमें कौन कहवा सिस्टमेटिक एरर तो सिस्टमेटिक एरर गुड़ा तुम जान पार जो इंस्ट्रूमेंट रे एरर अच्छे बुझला रैंडम एरर मान से जो वेइंग मशीन ना से वेइंग मशीन रे हुए तो फैन बुलुवा जो तार जो पवन टा जो बाजुच हुए तो सही जो तुम रिडिंग ना समय आलु रखिकी हम पवन टा टे जोर हो किए जा तो हुए तो जो कि एरर आसी जाए से तुम जान पार नहीं कैलकुलेट भी करें कि एरर थपा एनवायरमेंटल सिचुएशन एनवायरमेंट रे सिचुएशन चेंज होगा जो कि एरर आम कैलकुलेशन आसी पारे से तुम जापर ना तो आम कौन कह बुझ डिफरेन्स टा सिस्टमेटिक एरर तुम जान पार फेड़ भी दे पार रैंडम एरर तुम से प्रकार तो से समय तुम रीडिंग ना समय हम करेन्टर किसी फ्लक्चुएसन हुए तो ताद कि इफेक्ट आसगल किए जा बुझ पार्छ से टाइप रिन गुड़ा तो लेख लेख रैंडम एरर कौन लेख लेखो रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच हैपन बिकॉज ऑफ random errors are those errors which happen because of kon likhibo because of change of environmental factors because of change of environmental factors like temperature humidity wind speed temperature humidity wind speed au kon magnetic field of earth humidity mane water vapor content kete achi air re taku kaje humidity magnetic field of earth etc. Next point. These errors can happen in both directions.
these errors can happen in both directions, positive as well as negative. Positive as well as negative. Third point. The only way to minimize these errors is, the only way to minimize these errors is to take large number of readings, and then to take average. Is to take large number of readings, large number of measurements, and then take average. आर अर्थ कौन बुझला देखो ए तीन लाइन को पूर्ण सारे बुझौची फर्स्ट लाइन कहउची जे एरर ता कहा जगो होची एनवायरमेंटल फैक्टर्स से चेंज जे बदल तो हमर रीडिंग चेंज हो जाउची सेटा हमें जानि बे पारिबे ने जे केति के चेंज हेची केमे चेंज हेची हमें खाली एते करि परबे चेंज तो होउथु निश्चय हला सेकंड होची इट कैन हैपन इन बोथ डायरेक्शंस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तार अर्थ हला देखो मु जो वेइंग मशीन कथा कहली तुमको से वेइंग मशीन रे प्रॉब्लम कोन थिला से सब बेले अधिक देखौतुला अच्छा किंतु जते बेले रैंडम एरर हुए से अधिक भी हे पारे कम भी हे पारे माने तमे मेजरमेंट नउथुलो हे पारे तमे 5 केजी मेजर करउथुलो हे पारे से समय पवन टिके अधिक हे गला तो 5 केजी बदलले से 5.1 केजी देखै देला बा हे पारे पवन रो डायरेक्शन किछ अलग हे गला अलग टाइप रो सो दे 5 बदलले से 4.9 देखै देला आपको कह जाए जे एरर कैन हैपन इन बोथ डायरेक्शन माने 5 केजी को से 5.1 भी देखे देवार पॉसिबिलिटी अछि 5 केजी को 4.9 देखेबार भी पॉसिबिलिटी अछि आ आमे एग्जैक्टली जानि नांती वर्तमान से जो रीडिंग दा जो हला एक्चुअल अधिक देखे देला ना एक्चुअल कम देखे देला त आमे जानि परिबान बुझु छी तो से टाइप एरर टाको कह जाए रैंडम एरर किंतु आ पूर्वर मु जो उदाहरण दा देथिली से आमे जानि छंती एवेइंग मशीन ना किछ न रखैते समय केते देखौछि 1 1 केजी रखले केते देखौछि 2 2 केजी रखले केते देखौछि एडा में जानि छथि जे सब बेले ये कोन देखौछि अधिक ना कम देखौछि सब बेले अधिक देखौछि तो एक्चुअल वैल्यू तो सब बेले अधिक देखौछि एडा में जानि छथि देखो जे सब बेले अधिक तो आमे एरर ता जदि फेरिया पई आमे एररलेस एरर को जदि आमे कोन माइनस कर दे पई चाहौछु एरर को काढ़ देबा पई चाहौछु तल से जहां रीडिंग देखु छै सेठारु 1 माइनस कर दियो तो सिस्टमैटिक एरर सही समय कटि जइबो किंतु रैंडम एरर तमे जानि न केते हेछि आ कोन हेछि तो ताको तमे मेजर वैल्यू रो रैंडम एरर फेरि करिबो जानि न रैंडम एरर ता केते तो केमे करिबो बहुत सारा रीडिंग नियो मो तमे कहली ए आलु रो वजन केते तो तमे एक्सपेरिमेंट करि छौ कि केबे तमर लैब अछि लैब को जाइ छौ ओ एसे तमे प्रैक्टिकल तमर हेनी न तमे प्राक्टिकल लैब क्लास को गले जानिबो तुम जदि दिया जइबो प्राक्टिकल रे कोन करा जाय धरने तुम दिया गले ए आलु रो ओजन मेजर करो प्रथम आलु रखो केते रीडिंग हला नियो लेखो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 केते 500 किलो तापरे आउथर आलु रखो से आलु आउथर मेजरमेंट करो होय त आउथर मेजरमेंट करले से रीडिंग आस पारे 5.1 अच्छा तापर काढ दियो आउथर आलु रखो आउथर मेजरमेंट नियो होय त से रीडिंग आस पारे 4. न तो थर्ड रीडिंग आलु रोजन केते 4.9 ए प्रकार 10 थर करो एटलीस्ट 10 थर करलो जोडा ना सबु गुडा करो एवरेज नियो सबु गुडा करो एवरेज नियो थरे आसला 5.1 थरे आसला 5 थरे आसला 4.9 4.9 4.8 5 5.1 4.9 5.1 5 तापर एवरेज नबार जानि छ ना सबु नंबर गुडा को मिसि देखि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10টা অবজারভেশন তো 10টা জায়গা নম্বর মিছে কি বাই 10 তাকু আমি কইবা ট্রু ভ্যালু আর এ প্রকার করলে আমি আশা করু আমার আশা ও বিশ্বাস যে র‍্যান্ডম এররটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাইতিবো হলা সে র‍্যান্ডম এরর কো মিনিমাইজ করিবা পে আমি এ প্রকার করু কারণ র‍্যান্ডম এরর কোন কেবে প্লাস হে পারে কেবে মাইনাস হে পারে
रैंडम एरर अर्थ कौन से रैंडमली हुए केते बेले एक्चुअल वैल्यू रो अधिक रीडिंग आसी जाय पारे केते बेले एक्चुअल वैल्यू रो कम रीडिंग आसी जाय पारे तो ए प्रकार बहुत गुडा रीडिंग नै कि ताको मिसी के एवरेज करले आमे आशा करू जे से केते बेले अधिक वैल्यू आसी दबो केते बेले कम वैल्यू आसी दबो कम गुडा को कटा रैंडम एरर विषय रे किए किए तीन देव कौन को पर हाथ उठाओ विभु को हेलो यस सोनाली को तापरे बोथ द रैंडम ऑफ वन लॉस इज वन माइनस 3 तापरे हजार थर बहुत थर एटलिस्ट 10 थर एटलिस्ट 10 थर रीडिंग नबो नहीं कि तापर तार एवरेज नबो ताहले मैं आशा और विश्वास जे फाइनल से एरर फ्री हेतिबो हैला बुझा पड़ला अच्छा तो नेक्स्ट आसो सिस्टमैटिक एरर सिस्टमैटिक एरर रे कौन हो लेखो रैंडम एरर डेफिनेशन कौन लिखितले ठीक अछि तो नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर लिखो सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच हैपन बिकॉज ऑफ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट रे किछि फॉल्ट अछि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट which happen because of faulty instruments faulty instrument janina na jo instrument re fault achi faulty instrument wrong calibration CALLIBERATION wrong calibration wrong experimental techniques and biased readings biased and biased readings kochi of experimenter je experiment karuchi se biased reading nauchi kochi kon se eta experimenter ro biased reading jabu jaha hue pun kon se eta jane lokar habit achi scale pakai ki sepadu dekhibo कौन स्केल पके की तार स्केल पके ले ए प्रकार सीधा सीधा देखिया कथा ना केते सेंटीमीटर रीडिंग नो की ताले से 15.6 सेंटीमीटर देखैबो ए रोडटा स्केल ला लगेलो एटे रीडिंग दा सीधा सीधा देखिबो ना तब तक अपुर देखिबो देखले से 15.7 देखा जिवो जानि छ ना ट्राई करि पारो एपुर देखै से ठीक अधिक ही देखा जिवो एपुर देखले से 15.5 देखा जिवो हेलो हाँ आना पेन दियो तो तमे ये होची 14.5 अराउंड होची 14.5 होची सीधा देखिले तमे जदी ठीक एपोर्ट देखिबो
एपुर देखिबो हुए त से 14.4 देखा जाय पारे 4 ना ना 14.5 रो अधिक देखा जिवो एपुर देखले से कम देखा जिवो मु ए डायग्राम ना कर एडा रॉड ता एडा स्केल रो मार्किंग गुडा को अछि 14.5, 14.6 ये एरर रहइबो सब बोले किछि एक्स्ट्रा ही रहइबो तार नो कि धरिना आउ जने लोकर अच्छा केयरलेसनेस अलग चीज छ हैबिचुअल एरर अलग चीज छ एडा केयरलेसनेस कथा नै केयरलेसनेस त रैंडम एरर रे जइबो केयरनेस केयरलेस माने केते बेले एपुर देखु छी केते बेले एपुर देखु छी माने केते बेले अधिक रीडिंग काट दबो केते बेले कम रीडिंग काट दबो सेडा को काहे रे नेबा रैंडम एरर मन इच्छा किछि प्रेडिक्ट करि हबो नै प्रेडिक्टलेस है कि जो दी एरर जो दी हबो ताल सेडा रैंडम रे जीवो किंतु जो दी से लोकर हैबिट अछ सब बेले एपुर देखिबो ताल सेडा को एरर रे जीवो सिस्टमेट बुझला केते सहज हो ना एमे दे हबो तो लोकर लोकडा बायस रीडिंग नेबा जको जा एरर होय ताको पर्सनल एरर मध्ये कोआ जाय तो बेले बेले से पर्सनल एरर कोन पर्सनल एरर इज व्हेन एन एक्सपेरिमेंटर टेक्स wrong readings the error made because of the person is called as personal error instrumental error kono the error which happens because of instrument is called as instrumental error then the instrument ta fault he jaychi faulty instrument taku ame instrumental error kahiba hala so systematic error re bele bele udaharan diya jae kono systematic error bele bele udaharan diya jae likhi dio kon likhiba instrumental error mane The error which happens because of use of fault instruments. Already I am likhi sachanti. Aau kono? Personal error mane? Eta lokko jogu jo hue. Jane lokko bias reading na pura jogu jo hue. Aau kono? Instrumental error, personal error. Experimental technique jogu taku alaga na diya hai. Aau gude na diya jaichi zero error. Ha. जीरो एरर अच्छा जीरो एरर कौन सुनो जीरो एरर टाइम मैं तुमको उदाहरण देखी बुझाउ थी जीरो एरर माने जते बेले जीरो देखैबा कथा इंस्ट्रूमेंट से समय इंस्ट्रूमेंट जीरो न देखै के आगु छि वैल्यू देखौ छि से एरर टाकु कहा जाय जीरो एरर वेइंग मशीन जते बेले किछ रखा हिनी केते देखैबा कथा सिस्टमैटिक एरर भितरे एगुडा कहू छि उदाहरण तो इंस्ट्रूमेंट ता जते बेले जीरो देखैबा कथा जीरो न देखै के आगु छि देखौ छि तो ताकू को आजे जीरो एरर तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर भितरे भी जीवो इंस्ट्रूमेंट जगो होचे ना जस्ट कोटे ना दे दिया जाय छे हो तो बेले बेले आसीबो व्हाट इज जीरो एरर तो कोन कोन कहबो जीरो एरर इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर व्हिच इज अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर राइट सो जीरो एरर सो द इंस्ट्रूमेंट इंस्टेड ऑफ शोइंग जीरो इफ इट इज शोइंग समथिंग एल्स देन दैट एरर व्हिच हैपेंस इज कॉल्ड एज जीरो एरर हला अच्छा जीरो एरर को पुणी दि प्रकार करा जाय छ कोन पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर गेस कर लो बाप रे जीरो को पुणी दि भाग कर देले पॉजिटिव जीरो आउ नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो आउ हां करेक्ट एता तुम बुझिलो प्रथम कथा ला एरर तो जीरो केम दि होबो द्वितीय कथा से जीरो ना पुणी प्लस आउ माइनस केम दि होबो किंतु से प्रकार ना दिया जाए पॉजिटिव जीरो एरर माने जीरो न देखे कि से किछ गुडा प्लस नंबर देखौछ तो जीरो को से देखौछ प्लस किछ न रखाइथिबा समय देखौछ प्लस 1 5 केजी रखले देखैबो 6 केजी 10 केजी रखले से देखैबो ए टाइप एरर त कहै जा पॉजिटिव जीरो एरर हला नेगेटिव जीरो एरर माने किछ न रखले से देखौछ -2 किछ न रखले बे से केते देखौछ -2 2 केजी रखले केते देखैबो सोना 15 केजी रखले केते देखैबो ए टाइप एरर टा को कह जाय हां अच्छा
देखिबा तमे एरर रु एक्चुअल वैल्यू काढि पाउछ ना नै गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि শুণ তো গোটে ইনস্ট্রুমেন্ট অছি যেতবে কিছু রখা হয়নি সে দেখাচ্ছি প্লাস তিন কেজি এটা পজিটিভ জিরো এরর না নেগেটিভ জিরো এরর পজিটিভ সে ইনস্ট্রুমেন্ট মেজর কলা পঁচিশ কেজি একচুয়ালি কেতে হইব সেইটা কেমনি জানল বাইশ হ্যাঁ তো বেসিক্যালি এরর ইকুয়াল টু মেজর ভ্যালু মাইনাস ট্রু ভ্যালু তো তুমি তাকে এই প্রকার লিখি পারিব ট্রু ভ্যালু নো কি ট্রু ভ্যালু ইকুয়াল মেজর ভ্যালু মাইনাস এরর সেটাই তুমি সবকনসিয়াসলি লগাউছ ট্রু ভ্যালু কাড়িবার অছি মেজর ছিল পঁচিশ মাইনাস করে দিল এররটা এরর কেতে ছিল তিন বাইশ পড়ে আসলা বুঝি পড়ছ সবকনসিয়াসলি আমি এটা হি লগাউছ আউট উদাহরণ যেতবে কিছু রখা হয়নি সে ইনস্ট্রুমেন্ট দেখাচ্ছি মাইনাস দুই কেজি জিরো এরর কেতে যেতবে কিছু রখা হয়নি সে কেতে দেখাচ্ছি মাইনাস টু কেজি দেখাচ্ছি তো জিরো এরর কেতে মাইনাস টু মাইনাস আচ্ছা আচ্ছা এইটা কে জিরো এরর পজিটিভ জিরো এরর না নেগেটিভ জিরো এরর নেগেটিভ জিরো এরর আচ্ছা সে ইনস্ট্রুমেন্টটা পঁচিশ কেজি দেখাচ্ছি একচুয়ালি কেতে হয়েছিল সতেইশ হয়েছিল কিছু না রখিলে কেতে দেখাচ্ছি মাইনাস দুই তো সবুলে সে কম দেখাইবার হ্যাবিট অছি সে যদি পঁচিশ দেখাচ্ছি মানে সে সবুলে কম দেখায় তো হয়েছিল অধিক কেতে অধিক হয়েছিল আউ দুই অধিক হয়েছিল সতেইশ আচ্ছা তুমি যদি ফর্মুলা লগাইব না ফর্মুলা লগাইলে বি ফর্মুলা মু কোন কইছি ট্রু ভ্যালু ইকুয়াল টু মেজর ভ্যালু মাইনাস এরর তো মেজর ভ্যালু কেতে পঁচিশ মাইনাস এরর এরর কেতে মাইনাস টু তো পঁচিশ মাইনাস মাইনাস টু কেতে গলা সতেইশ হল না মাইনাস সতেইশ কুয়ারে সতেইশ না বুঝিলা তো তুমি ফর্মুলা বি লগাই পারিব বা লজিক্যালি বি তুমি ক্যালকুলেট করে দিয়ে কই পারিব নো কি কিছু নথিবা সময় সে মাইনাস দুই দেখাচ্ছি সবুলে দুই দেখাচ্ছি তো একচুয়ালি সে অধিক হয়েছিল তো পঁচিশ কৌছি তো দুই অধিক হয়েছিল তো সতেইশ লজিক্যালি বি এ প্রকার ক্যালকুলেট করে পারিব আচ্ছা তো বুঝিল জিরো এরর কোন জিরো এরর আর ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর ভিতরে টিকে ডিফারেন্স বি আছে ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর বহুত প্রকার ইনস্ট্রুমেন্টের ফল্ট থাই পারে ইনস্ট্রুমেন্ট বহুত প্রকার ফল্ট থাই পারে এলা গটে প্রকার ফল্ট যে জিরো দেখাইবার সময় জিরো দেখাউনি আউ কোন কোন ফল্ট থাই পারে আউ গোটে উদাহরণ দৌছি দেখ সেটা বি ফল্টি ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু আমি তাকে জিরো এরর কই পারিবানি গোটে স্কেল আছে সে স্কেল রে সে যে মিলিমিটার গুড়াক নর্মালি যেতে হওয়া কথা তাড়ু ছোট হয়ে যাইছি নর্মালি যেতে হওয়া কথা তাড়ু কোন হয়ে যাইছি ছোট হয়ে যাইছি আচ্ছা তোমার স্কেল টোটাল কত সেন্টিমিটার আছে 30 আছে সে স্কেলটা বি এডিকে স্কেলটা কিন্তু যেহেতু তার ডিভিশন গুড়াক ছোট হয়ে যাইছি সে স্কেলটা বি শূন্য স্টার্ট হচ্ছে এন্ড 30 নয় কি 40 হয়ে যাইছি 30 নয় কি কত হয়ে যাইছি 40 হয়ে যাইছি তো স্টার্ট হচ্ছে শূন্য রু তার ডিভিশন গুড়া ছোট ছোট গুড়াক তো এটা 30 হওয়ার কথা না এটা কত হয়ে যাইছি লাগি লাগি থিব হ্যাঁ হ্যাঁ তো সে স্কেল রে 30 এটা এতকি হইব কেন তো সে স্কেল রে 30 শূন্য এটা স্টার্ট হইকি 30 এটা এটা সরি যাউছি এটা কোটি সরি যাউছি আর এতে গলাব তার 40 পড়ি আসছে মার্ক তো বর্তমান সে স্কেল তুমি ইউজ করি যদি মেজারমেন্ট করিব এরর আসিব ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর বইটা কিন্তু এটা দেখো এটা জিরো এরর নয় জিরো রে দুজন যাক জিরো হি দেখাচ্ছি জিরো রে দুজন যাক জিরো হি দেখাচ্ছি কিন্তু পরে যাই সে অলগা হয়ে যাচ্ছেন অন্য রিডিং গুড়া তাকে আমি কইবা ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর বুঝলানি আউ উদাহরণ দৌছি ওয়েইং মেশিন উদাহরণ দৌছি ওয়েইং মেশিন ওয়েইং মেশিন অছি কিছু না রখিলে সে শূন্য দেখাচ্ছি হেলা এক কেজি রখিলে সে 900 গ্রাম দেখাচ্ছি এক কেজি কু সে 900 গ্রাম দেখাচ্ছি
ଶୁଣ ଶୁଣି ସାର ଶୁଣି ସାର ଏକ କେଜିକୁ ସେ କେତେ ଦେଖଉଛି 900 ଗ୍ରାମ, 2 କେଜିକୁ ସେ ଦେଖଉଛି 1800 ଗ୍ରାମ, 3 କେଜିକୁ ସେ ଦେଖଉଛି 2700 ଗ୍ରାମ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏରର ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ସେମ୍ ଏରର ନାହିଁ, ପ୍ରତି କେଜିରେ ସେ 100 କମ୍ କରିଦଉଛି, ପ୍ରତି କେଜିରେ ସେ 100 ଗ୍ରାମ କମ୍ ଦେଖଉଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏରର ଟିକେ ଅଲଗା ନା। 1 କେଜିକୁ 900 ଗ୍ରାମ ଦେଖଉଛି, 2 କେଜିକୁ 1800 କମିଗଲା ନା, 1800 ଗ୍ରାମ ଦେଖଉଛି, 3 କେଜିକୁ 300 କମିଗଲା ନା, 2700 ଦେଖଉଛି, 2700 ଗ୍ରାମ, 2.7 କେଜି ଦେଖଉଛି 3 କେଜିକୁ, 4 କେଜିକୁ କେତେ ଦେଖଉଛି 400 କମିଗଲା, 3.6 କେଜି ଦେଖଉଛି, 5 କେଜିକୁ 500 କମିଗଲା, 4.5 କେଜି ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ବି ଏରର ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଏରର ଟା ଦେଖ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏରର ଏରର ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଏରର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜିରୋ ଏରର କହିହବନି, ଜିରୋକୁ ଜିରୋ ଦେଖଉଛି, ଜିରୋକୁ ଜିରୋ ଦେଖଉଛି, ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଏରର କହିବ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର କହିବ, ଜିରୋ ଏରର କହିବନି। ଜିରୋ ସମୟରେ ଜିରୋ ଦେଖଉଛି ତ ତାପରେ ତାପରେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଯୋଉ ଅଲଗା ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏରର ହଉନି, ଯେତେ ବଡ ରିଡିଂ ନବ ସେତେ ଅଧିକ ଏରର ଆସୁଛି ନୁହଁ କି? ତ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଏରର କହିବ, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ଏରର କହିପାରିବନି। ଏଇଟା ଏସ୍ପେସିଆଲି ଟାଇମରେ ହୁଏ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଟାଇମରେ ହୁଏ। ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ସେ ଘଣ୍ଟାଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି, ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଧରିନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ହେଇଛି, ଆଜି 6ଟା ବେଳକୁ ସେ 6ଟା ଦେଖଉନି, ସେ କେତେ ଦେଖଉଛି 5:55 ଦେଖଉଛି, 5 ମିନିଟ କମ ଦେଖଉଛି, ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। କାଲିକି ପୁଣି 6ଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5:50 ଦେଖଉଛି, ଦିନକୁ ସେ 5-5 ମିନିଟ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ନା। ତ ତମେ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି 6ଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, 5:50 ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ପରଦିନ 6ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 15 ମିନିଟ କମିଯାଇଥିବ, 5:45 ଦେଖଉଥିବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବୁଝିଲ? ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଏରର କହିବ, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ଏରର କହିବନି ଏଇଟାକୁ, ଏମିତି ହବ। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏରର ଅଛି, ଆମର ଏତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ହେଲା। ବେସିକାଲି ଏରରକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, କଣ କଣ, ରାଣ୍ଡମ ଏରର ଆଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର। ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଣ୍ଡମ ଏରର, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର, ବୁଝିଲ କି? ରାଣ୍ଡମ ଏରର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ନାଁଟା ରାଣ୍ଡମ କାହିଁକି, ତା ନାଁଟା କାହିଁକି ରାଣ୍ଡମ, କାରଣ ସେଟା କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତାର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଟା ଅଧିକ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁରୁ କମ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ପ୍ଲସ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ମାଇନସ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର ଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବ, ବା ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦେଖୁଛି ତାର ହାବିଚୁଆଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର। ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର ଗୁଡାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ଫାଇନାଲି ଫେରି ଦେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁଟା କାଢି ଦେଇପାରିବା। ତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର ରିଡ୍ୟୁସ କରିବାର ମେଥଡ କଣ, କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ଦ ଏରର, ସବଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମେଜର୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁ। ରାଣ୍ଡମ ଏରର କୁ କମ୍ କରିବାର ମେଥଡ କଣ, ଟେକ୍ ଲଟ୍ସ ଅଫ ରିଡିଂସ ଦେନ୍ ଟେକ୍ ଏଭରେଜ ହେଲା। କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର ଲେଖିଥିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଓନ୍ଲି, systematic error happens in one direction only, systematic errors happen in one direction only। ଆର ଅର୍ଥ କଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତମେ ନେଇଛ ତ ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟାରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ହଉଥିବ ସବୁବେଳେ, ହଁ ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରେ ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ଏବେ ଇଂଲିଶ ନା ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଧିକ ଦେଖଉଛି, ହଁ ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଦେଖଉଛି, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଗିଭେନ୍ ୱାନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସିଏ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ହିଁ ହଉଥିବ, ବୁଝିଲା? କିନ୍ତୁ ରାଣ୍ଡମ ଏରର ଟା ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଇଭେନ୍ ସେମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରେ ବି କେତେବେଳେ ପ୍ଲସ ଦେଖୁଥିବ, କେତେବେଳେ ମାଇନସ ଦେଖୁଥିବ, ତମେ 10 ଥର ରିଡିଂ ନେଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର ମାନେ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରେ ତମେ 10 ଥର ରିଡିଂ ନିଅ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅଧିକ ହିଁ ଦେଖେଇଥିବ, ବା ସବୁବେଳେ ସିଏ କମ୍ ହିଁ ଦେଖେଇଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖ, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଏରର can be subtracted from the
measured value to find true value. Systematic error can be subtracted from the measured value to find true value. To find true value. मेजर वैल्यू आसला से जो सिस्टम में डिग्री टाको माइनस कर दियो तो ट्रू वैल्यू बाहर पड़ियो बुझा पड़ला। अच्छा रैंडम एरर तळे भी तार भी गुट उदाहरण लिख दियो। रैंडम एरर तळे आरो दीडा उदाहरण लिखो। गोटे लिखो लिस्ट काउंट एरर आ गोटे लिखो पर्सनल एरर। देखो पर्सनल एरर टाको मु दीडा जगह रे लिखी छी। पर्सनल एरर को मु एडी भी लिखी छी एडी भी लिखी छी। डिफरेंस कोन पुछलो एटा एटा ए पर्सनल एरर ता ए मु कहिबा समय रे केम सुनना कोन कहथिले मु कहछि पर्सनल एरर को दीड़ जगह जगह रे काहेंगे लिखि काहेंगे एटा हैबिचुअल एटा पर्सनल एरर माने पर्सन करछि एटा हैबिचुअल मिस्टेक जो एटा केयरलेसनेस जो एटा हैबिचुअल मिस्टेक सब बेले गोटे साइड रे देखुछि सब तो गोटे डायरेक्शन रहउछि तेणुक सिस्टमेटिक एटा केयरलेस के कौन करें कि ना से रैंडम तेणुक दीड जगह जगह अच्छे अच्छा बर्तमान कथा लिस्ट काउंट कौन लिस्ट काउंट एरर कौन एगुड़ाक सब उदाहरण आस डेफिनेशन आसीबो। नेक्स्ट लिखो लिस्ट काउंट एरर साइड लिखि देबो एडा लिखि देबो साइड केयरलेसनेस एडा लिखि देबो कोन हैबिचुअल मिस्टेक नेक्स्ट लिखो लिस्ट काउंट एरर लिस्ट काउंट एरर एटा गोटे इंपोर्टेंट एरर टा तेणुक पुणी अलग कर लिस्ट काउंट एरर। अच्छा ये गुड़ा लिखीदेल मुझे पाँच तो सब प्रथम लिस्ट काउंट कौन आ लिस्ट काउंट एरर कौन। अच्छा लिस्ट काउंट रो अर्थ हैला रेडी सबू इंस्ट्रूमेंट रो गोटे लिस्ट काउंट थाए। लिस्ट काउंट माने कौन प्रति इंस्ट्रूमेंट रो गोटे छोटो डिविजन थाए ताडू कम वैल्यू को तुम मेजर कर पारिबो। जेमिते तुम जो स्केल गुडा को धरिछ से स्केल रे सबू छोटो डिविजन ता केते 1 मिलीमीटर ना तार जो डिवीजन गुडा गछि केते केते डिवीजन गुडा गो 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर गोटे गोटे गारो अछि ना तो सेटे सब छोटो जिंस केते मेजरमेंट कर परबो 1 मिलीमीटर तापर नेक्स्ट जिंस जो मेजर करबो सेटा 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर मिलीमीटर को तुम मेजरमेंट कर परबो। स्मॉलेस्ट रीडिंग व्हिच यू कैन टेक यूजिंग दैट स्केल इज 1 मिलीमीटर से प्रकार तो आमे कहबा तार लिस्ट काउंट होछि 1 मिलीमीटर। अच्छा तुम बड़ बड़ स्केल गुडा को देखिथिबो से गुडा रे मिलीमीटर मार्क न थाए बड़ बड़ स्केल गुडा को सेंटीमीटर रे मार्क गुडा को थिबो स्पेशली से कोन टेलर गुडा को जो यूज करनते ना मेजरमेंट नेबा पई 1 सेंटीमीटर तो आमे कहबा से स्केल रो लिस्ट काउंट केते 1 सेंटीमीटर होय तो जमाने शहर टू शहर डिस्टेंस मेजरमेंट करनते भुवनेश्वर कटक केते परमपुर छत्रपुर जम्मा केते सेमानंगर बड़ बड़ स्केल गुडा रहितबो से जगह रे होय तो सेंटीमीटर मार्क भी नथिबो केते केते मार्क गुडा थिबो मेट ना ना मीटर ते लेखे मार्क थिबो ना मीटर ते लेखे मार्क थिबो से माने मेजरमेंट करबे हो छत्रपुर रो रंभा केते राइट धरि नियो केते 30 किलोमीटर केते तो होय बरमपुर रो 25 अच्छा तो ठीक है भाबिलो तो भिन्न भिन्न स्केल रे तार मार्किंग गुडा को भिन्न भिन्न जगह रे थिबो ना तो सबु छोटो डिविजन दा को कह जाए लिस्ट काउंट
तो से स्केल धरि नो मीटर ती लेखा रे गोटे गोटे 11 अछि तार तो आमे कहबो तार लिस्ट काउंट केते 1 मीटर हला धरि नो गोटे थर्मोमीटर अछि से थर्मोमीटर मार्किंग करा जाय छि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री प्रति एक एक डिग्री रे मार्किंग अछि तार लिस्ट काउंट केते 1 डिग्री आउ गोटे थर्मोमीटर अछि तार मार्किंग अछि 0 डिग्री 0.5 डिग्री तापर 1 डिग्री तापर 1.5 डिग्री तापर 2 डिग्री तापर 2.5 डिग्री तापर 3 डिग्री तो 0.5 ना 0.5 0.5 डिग्री गोटे गोटे आसु तो तार लिस्ट कौन केते से प्रकार गोटे इंस्ट्रूमेंट ले जाओ धरि नियो गैल्वेनोमीटर तार मार्किंग गुडा गछि 0 मिली 0 करंट यूनिट 0 मिली एंपियर 1 मिली एंपियर 2 मिली एंपियर 3 मिली एंपियर ए प्रकार मार्किंग गुडा गछि तो तार लिस्ट कौन केते आ गुडे एमीटर अछि आ गुडे गैल्वेनोमीटर अछि तार तार होछि धरिनियो 1 एंपियर 0 एंपियर 1 एंपियर 2 एंपियर 3 एंपियर 4 एंपियर तो बुझि गेलो लिस्ट कौन कौन लिस्ट कौन माने द स्मॉलेस्ट रीडिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट लिखो लिखो द लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज The least count of an instrument is the smallest measurement which can be made. The smallest measurement which can be made using that instrument which can be made. Least count of an instrument is the smallest measurement which can be made using that instrument. For example, the least count of our scale kete 1 millimeter. The least count of our scale is 1 millimeter. Next, let's call the least count of a vernier caliper. It ago ko padiba. The least count of vernier caliper is 0.1 millimeter. सेटा तुम 0.1 मिलीमीटर भी मेजर कर पारिबो मिलीमीटर बा उल छोटो वर्नियर कैलिपर ये गोटे प्रकार स्केल इज 0.1 मिलीमीटर हम नॉर्मल स्केल रे केते 1 मिलीमीटर एडा 0.1 मिलीमीटर नेक्स्ट लेखो द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज 0.01 millimeter. Screw gauge ra 0.01 millimeter. Jahara least count jete kam, seta sete choto jinsa measure kari hue. Si agude prakara scale. Egude ka sabu tamam lab re rakha. लैब को गले देखिबो एगुडा सब आ तमे नॉर्मल स्केल जानिछो वर्नियर कैलिपर को प्रकार स्क्रू गॉज को प्रकार पछे फोटो देखि देबा हमें हला वर्तमान कथा ला लिस्ट काउंट एरर माने कोन देखो तो धरिनो तमे से स्केल ला नेलो से स्केल रे छोटो डिवीजन ता केते अछि 1 मिलीमीटर से स्केल ने कि तमे रॉड रो लेंथ को मेजरमेंट करिया पे गलो से रॉड रो गोटे एंड को तुम्हें स्केल रो जीरो रख लो आ गोटे एंड को तुम्हें मेजर कल सी आसला 15.6 और 15.7 मझी के लिख से स्केल टा नेलो मेजरमेंट करने लगे रड रहा भितर आसुच स्केल रो 15.6 मार्क आ 15.7 मार्क रितर आसुच्छे लिख 15.6 और 15.7 मध्य आसला ना एडा रॉड टा एडा तम स्केल टा ए प्रकार
एटा होचे तमरो 15.6 सेंटीमीटर मार्क आ एटा होचे तमरो 15.7 सेंटीमीटर मार्क देखो से तत से मध्ये रह जाई छी देखि पछो 15.7 कि ह 15.7 कि मध्ये रह मध्ये जे तमे जना पड़ी सेटा 15.62 हब ना 15.65 हब ना 15.64 जानी हब ना 15.6 हब गेबो तमे जहां पको छ पको एरर रहइबो तमे तमे जहां पको छ पका एरर रहइबो रहइ माने तम त 15.6 लिखले बे एरर हब 15.7 लिखले बे एरर हब सब इंस्ट्रूमेंट गुडा के ए प्रकार तमे करंट मेजरमेंट करूछो हैला से जो पॉइंटरटा से आसी के रही गला 15.6 एम्पीयर और 15.7 एम्पीयर मछरे रही गला तो कोन लिखिवो तमे जहां लिखले बे एरर हबो तमे तमे ठीक अछि तमे ताको टिके देखिवो सेटा कार अधिक पाखा पाखी अछि 15.6 अडु टिके अधिक पाखा अछि ना 15.7 अडु अधिक पाखा अछि से हिसाब तमे ताको लिखि रहो किनो मु कहबे कथा तमे जहां लिखले बे एरर रहिले ना नै से जो एररटा रहला ताको पाजे लिस्ट काउंट एरर बुझला लिस्ट काउंट एरर कोन कारण 1 मिलीमीटर होउछ तार लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर को छोटो जिनसे से इंस्ट्रूमेंट मेजर करि परिबो नाही किंतु सिचुएशन से प्रकार आसीबो जे तमो से रीडिंगटा से भीतर रही जइबो आ तमो किछ ना किछ गुड लेखियो पड़िबो तो तमे जहां भी लिखुछ एरर हबो आ से एरर टा को कोन कहबा हमें कोन कहबा लिस्ट काउंट एरर कहबा बुझला ए प्रकार के भाबिथिलो काई भाबि नथिलो ए प्रकार रीडिंग आसीला आसले कौन पकई दूसल तो से जिनस गुडा आम ए चैप्टर पढ़ अच्छा तो ए, ए एरर विषय आम कहीं पढ़ु क्या आम जानवर अच्छी ए जगह एरर रही जाए लेंथ मेजरमेंट लेंथ एरर रही एरिया के एरर रही लेंथ एरर रही एरिया कते एरर रहइबो ए जन सुडा हम जानिबार अछि रॉकेट टाक हम पठौछु पठैले हम चाहू जे रॉकेट ए 600 किलोमीटर पर आवर जाउ गले से अर्थ 36 किलोमीटर ऊपर जाके उदाहरण स्वरूप किंतु एग्जैक्टली ताको जेतबे से स्टार्ट हुए हेइ पारे से कते 6 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट न होइ कि 90 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट होला हेइ पारे स्टार्ट करे समय से 600 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट न होइ कि 605 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट होला अच्छा तो एरर हो गला अच्छा एरर जे टिके एरर हबो ताले सेड एरर केते हबो माने ताको 600 रे जाइतले केते हाइट को जाय थांदा धन्य 36000 किलोमीटर को जाइके बुलि थांदा प्रथम एरर जे 5 10 जे उणा अधिक हो गला ताले सेड हाइट तक कर केते उणा अधिक हबो हां तो से जानि थिवार अछि ना एरे केते एरर हले से केते एरर हबो कारण कारण आमे जानि छले 36000 हाइट ऊपर बुलिले से हमरो भारत को थरे क्रॉस करबो 24 घंटा रे राइट सी जो 36 किलोमीटर जदि अधिक हाइट रे बुलला बा कम हाइट रे बुलला त होय त से घंटा को ए सब दिन को थरे क्रॉस न करे कि होय त से दिन को दिथर क्रॉस करि पारे बा दिन को थरे क्रॉस न करे कि होय त 3 दिन रे थरे क्रॉस करि पारे तो जानिबार अछि ना केति के एरर हले सेटा केति के एरर हबो सही हिसाब रे हम रेडी के होला ना तो ए एरर गुडा को जानिबा जरूरी से पे हम ए चैप्टर टा पढु एरर एनालिसिस सिंगल मेजरमेंट रे केति के एरर हले टोटल मेजरमेंट रे केति एरर हबो से जिन कहुए एरर प्रोपगेशन बुझला इट्स लाइक एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर एल रे टिके एरर हेले ए रे केते एरर हबो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब आर रे आर माने कोन रेडियस रेडियस रे टिके एरर हेले वॉल्यूम रे केते एरर हबो ए जिन कहुए कोन एरर एनालिसिस आर स्टडी टाक नेक्स्ट टाइम सेटा पढिबा प्रथम आमे बुझिले एरर कोन नेक्स्ट टाइम पढिबे एरर प्रोपगेशन तो चलो लिखो देखो एरर प्रोपगेशन लिस्ट काउंट एरर लिखिनो कि अच्छा लिस्ट काउंट एरर कौन लिखिलो अच्छा नेक्स्ट लिखो लिस्ट काउंट एरर एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज ए लिस्ट काउंट Every instrument has a least count. Every instrument has a least count.
readings less than least count cannot be measured. Readings less than the least count cannot be measured using that instrument. Readings less than the least count cannot be measured, cannot be measured using that instrument. Cannot be measured using that instrument. ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତି ସ୍କେଲ ର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଅଛି 1 millimeter, ତ 1 millimeter ରୁ କମ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ସିଚୁଏସନ ଫେସ୍ କରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ 1 millimeter ରୁ ବି କମ ଜିନିଷ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ତାହା ସେ ପ୍ରକାର ରିଡିଂ ଗୁଡାକ ନେବା ସମୟରେ କିଛି ଏରର ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଏରର। ତ କଣ ଲେଖିଲ ଆଉ ଥରେ ପଢିଲ, ଏଭ୍ରି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ସମ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ, ରିଡିଂସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ମେଜର୍ଡ ୟୁଜିଂ ଦାଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ସୋ ସୋ whenever we use that instrument, so whenever we use that instrument to take readings, so whenever we use that instrument to take readings, there is some error, there is some error, there is some error because of the least count, because of the least count, this is called as least count error। This is the least count error। ବୁଝିଲା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ଲେଖ, ଏରର କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏରର, ହେଡିଂ ଲେଖ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏରର, एरर को कौन कौन मेजरमेंट कैमिति कौन सब मेजरमेंट करा जाए। गोटे लेखो ता ना दियो जस्ट एरर, एडा में पढ़ी सारी चंदी एरर माने कौन, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट लेखो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट रो अर्थ कौन हम गेस करलो, तार मोड एरर रो मोड, एब्सोल्यूट एरर माने मोड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ए प्रकार अच्छा को मैथमेटिकल ए प्रकार लिखा जाए, एरर को, एरर को ए प्रकार लिखा जाए। धरी नियो डेल्टा एक्स बा तमो बही रे डेल्टा ए लिखु छी, अच्छा चलो डेल्टा ए तो ताको लिखा जाए ए आई माइनस ए बार, मेजर्ड वैल्यू को ए आई लिखा जाए, ट्रू वैल्यू को ए बार लिखा जाए। हला एब्सोल्यूट एरर को ए प्रकार लिखिबा कथा, एब्सोल्यूट एरर आको ए प्रकार लिखिबा ए आई माइनस ए बार रो मोड, हला नेक्स्ट नेक्स्ट हला मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको ए प्रकार लिखा जाए,
डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन आपको एक प्रकार लिखिब डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री समस्त ए प्रकार एरर गुडाक काढ़ी डेल्टा ए एन तर एवरेज नहीं जाओ एन चलो ये बुझा प्रथम फॉर्मूला लिखी दियो लिखिल एगुड़ाक अच्छा देख एगुड़ाक मीनिंग कौन मुझे बुझौच देख तुमको स्केल रो लेंथ मेजरमेंट करिवार अछि स्केल को छोट रॉड रो लेंथ मेजरमेंट करिवार अछि तो तुम रीडिंग नेलो कौन को रीडिंग नेलो गोटे आसिला 15.5 सेंटीमीटर गोटे आसला 15.6 सेंटीमीटर गोटे आसला 15.4 सेंटीमीटर गोटे आसला 15.6 सेंटीमीटर आ गोटे आसला 15.4 सेंटीमीटर ये ला रीडिंग नंबर एक ये ला रीडिंग नंबर दुई ये ला रीडिंग नंबर तीन ये ला रीडिंग नंबर चार ये ला रीडिंग नंबर पांच एगुडा को आम सब एगुडा को आम कौन कौन कह आई बुझला रीडिंग अच्छा ट्रू वैल्यू के ट्रू वैल्यू कैसे एगुडा सब मेजर्ड वैल्यू राइट ट्रू वैल्यू कैसे ए समसंगर एवरेज तुमको लेंथ हां तुमको लेंथ मेजरमेंट करिवार थिला तुमको कौन मेजरमेंट करिवार थिला लेंथ कौन बोलो रीडिंग नेलो केतरा रीडिंग नेलो 10 टा रीडिंग नेलो तुम पचार पांच रीडिंग नेलो मु पचार लेंथ कते एवरेज सेडा होची ट्रू वैल्यू तो ताको हम लेखू कौन ताको हम कौन लेखू एडा ए बार एडा होची हमरा ट्रू वैल्यू कोई दिल ना तो ए बार कर लो कल पहले कते आसी कर लो 15.5 आसीब देख केमिति काढ़ कहबी किमि काढ़ सब मिसेब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव बै फाइव कलापर के आस 15.5 आसला 15.5 आसला 15.5 आसो कारण देख 15.5 हूँ मझी वैल्यू यार एक अधिक अच्छे एक कम अच्छी एक अधिक अच्छे एक कम अच्छी तो सब मिसला बेलू आर अधिक इफेक्ट ये कम हमारे इफेक्ट कैनसल आउट हो रहा अधिक हमारे इफेक्ट कम हमारे इफेक्ट कैनसल आउट हो तो आसो से 15.5 है यह तो लजिक आम कहीं एवरेज नौ है अच्छा बर्तमान बर्तमान एगुड़ा सब रीडिंग एगुड़ा कौन रीडिंग नेक्स्ट कलम आम करवा नेक्स्ट कलम आम करवा कह एरर नेक्स्ट कलम आम कह एरर करवा अच्छा एरर एरर टा केमिति करा जाय हाँ तो एरर टा को प्रकार करा जाय ना एरर करा जाय मेजर्ड वैल्यू एटा माइनस ट्रू वैल्यू एटा सेटा 15.5 माइनस 15.5 केते एटा एरर नाही एटा 15.6 माइनस 15.5 केते 0.1 एटा 15.4 माइनस 15.5 केते माइनस 0.1 एटा 15.6 केते 0.1 एटा 15.4 माइनस 15.5 एगुडा को कोन कहबा हमें एरर नेक्स्ट हैला कोन एब्सोल्यूट एरर नेक्स्ट हैला कोन एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर माने कोन जहां एरर आसी तार एब्सोल्यूट वैल्यू एटा 0 एटा 0.1 एटा भी 0.1 एटा भी 0.1 एटा भी 0.1 बुझा पड़ला रीडिंग माने कोन रीडिंग इज सेम एज मेजर्ड वैल्यू तापर
true value कौन तापरे error कौन तापरे absolute error कौन last term टा मु कौन कोई चिल्ली mean absolute error अच्छा mean absolute error माने ये सब error बुढ़ा कर average ये सब error बुढ़ा कर average तो ये mean absolute error कौन होगा जत्ते error बुढ़ा का आसी ची mean absolute error जत्ते absolute error बुढ़ा का आसी ची तार mean absolute error के तहसी 0, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 सब उड़ा को मिसेगी बाय 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 एरर उड़ा करो एवरेज अब्सोल्युट एरर उड़ा करो एवरेज ताको कहबा मीन मीन शब्द रो अर्थ हो एवरेज हला तो केते आछबो एउडा सो मिसेलो तो फर्स्ट एरर रो मोड सेकंड अब्सोल्युट एरर एपा सो मिसेबा बाय 5 तले केते आछबो 0.4 बाय 5 केते आछबो 0.08 असला एडा होची मीन अब्सोल्युट एरर लेखो एडा हां आउरी अछि प्रथमे तमे मीन अब्सोल्युट एरर टा बुझिबा दरकार मेजर्ड वैल्यू से गुडा मु a1 a2 a3 कहउची तापर मु a बाहर काढली सेडा होची ट्रू वैल्यू तापर ट्रू वैल्यू को मु फेडी की एरर काढली ताको मु डेल्टा a कहली तापर एरर गुडा कर मोड देली ताको मु एब्सोल्युट एरर कहली तापर एब्सोल्युट एरर गुडा कर एवरेज देली ताको मु मीन एब्सोल्युट एरर कहली एडा को कहसे डेल्टा a मीन तो जदि तमको पता रहिबो ताले लेंथ केते तो तम कोन कहइबो मुझे पचार लेंथ के 15.5 प्लस माइनस 0.08 है मुझे पचार लेंथ के तुम कह लेंथ ऑफ द रॉड इज सो लेंथ ऑफ रॉड इज के ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए मीन ए प्रकार कह जाए तुमको कह 15.5 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.08 सेंटीमीटर ए प्रकार को लिखा जाए रॉकेट रो स्पीड केते तो तुम कहो 600 किलोमीटर पर आवर प्लस और माइनस 5 बुझा पड़ला कि हाँ टोटल रे एरर ऐसे की थाई पारे मैंने हमें कोई अपनी चाहूँ तो स्केल रो लेंथ का 15.5 रू ठीक है अधिक भी हिते पारे ठीक है कम भी हिते पारे ऐसे की एरर अच्छी तुम राउंडिंग अप कर जान कि राउंडिंग अप राउंडिंग अप कर जान राउंड अप अच्छा तो टिके टिके राउंड राउंडिंग अप टिके यूज करवा देख 10.24 मुझे कह दशमिक पर गोटे स्थान जाए ही रख राउंड अप करो ताला को केते लिखिबो नै 10 पॉइंट पॉइंट पर गोटे स्थान रखो 10.4 मान चारटा को उड़ाओ कहू छी 10.2 लिखिबे ना ताको 10.3 करिबा 10.2 रखिबा 10.2 ही रखिबा आमे काहा को ड्रॉप करू छु 5 तळु को छी आमे जा को ड्रॉप करू छु से 5 रो कम अछि देखो आमे केते लिखिबा 10. 2 लिखिबा किन जदी नंबर टाइप करथा 10.26 हां आ 10 पॉइंट एडा जानि ना एडा अच्छा जदी से एग्जैक्टली 5 था ताले ताले 5 था जदी ए प्रकार था 10.26
टू फाइव ताहले हम्म इट इज एग्जैक्टली 5 तो बड़े वाला नहीं एटा 5 रु कम अछि 10.3 करिवा ताकु ना 10.2 ही लिखिवा तुम कोन कहलो अच्छा तो आपको 10.2 रख अच्छा धरिने एटा जदी 10.35 थांता ताहले ना ताकु 10.4 कर देबा हाँ लॉजिक कौन लॉजिक तुम जहाँ को ड्रॉप करुछ से जदि 5 रु कम ताहले जेमिति सेमिति रखि दियो एडे किंतु तुम जहाँ को ड्रॉप करुछ 5 रु अधिक ताहले तार पूर्व नंबर टाक बढ़ाओ अच्छा तुम जहाँ को ड्रप कर 5 अच्छा इवेन अच्छी पूर्व नंबर टाइम इवेन रख जदि अड अच्छी इवेन कर दियो फाइनल इवेन ही रही बढ़े इवेन कर कमे इवेन नहीं 10.3 अच्छी इवेन कर तीन टाइम कमे दुई करदे ना बढ़े चार कर बुझला कि तो ये आर डेफिनेशन नहीं मन रख राउंडिंग अप केमी कराए लिखिले से प्रकार ना ना यहाँ मुझे मन पकाउली ये किसी लिखन मुझे मन पकाउली तुमको राउंडिंग अफ आसुचना ना कर आसुचना ना हाँ तो सब बेले कैलकुलेशन करने समय राउंडिंग अफ करके लिखा जाए देख ये देख लीटे 0.08 आसी अच्छा ये के दशम पर एक स्थान अच्छी यहाँ देख ये दशम पर एक स्थान अच्छी तो यहाँ को भी दशम पर एक स्थान ही रखार अच्छी आपको राउंडिंग अफ कर तो 0.08 अच्छे दशम पर एक स्थान ही रखार अच्छी माने से आठ टाक कौन करप कर ड्रप कले 0.08 को लिखी हम 0.08 एप्रोक्सीमेट वैल्यू टाक आपको दशम पर कते स्थान रखार अच्छे गोटे स्थान रखार अच्छे तो कैसे हम 0.1 तो आपको प्रकृत आपको लिखा कथा 15.5 प्लस माइनस 0.1 फाइनली से राउंडिंग ऑफ करके से प्रकार लिखा जाए चलो आज हम ये रखा अधिक पढ़ले तुम मुंड टेण हो मोर तो किसी हमी तुम मान मुंड टेण हो